हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंदिनी गुप्ता की जीवन कहानी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया कैसे बनी। नंदिनी गुप्ता एक भारतीय टेलीविजन फिल्म अभिनेत्री है। ये एक बहुत अच्छी मॉडल और लेखिका भी है। नंदिनी गुप्ता का जन्म 1 नवंबर 1990 को दिल्ली में हुआ था। ये एक अच्छी पटकथा लेखक भी है, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य गाना भी है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन किया। नंदिनी गुप्ता ने 20 साल की उम्र में अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई चली गई। नंदिनी गुप्ता ने 2009 में एक सहायक अभिनेत्री के रूप में हिंदी भाषा की फिल्म में अभिनय की शुरुआत की। नंदिनी गुप्ता के दो भाई आशीष गुप्ता और अंकुश गुप्ता हैं। ये दोनों अभिनेता हैं। इन्होंने 2020 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अनुराग गुप्ता से शादी कर ली। नंदिनी गुप्ता के पिता दिल्ली में व्यवसायी हैं, उनकी माता एक गृहिणी है। पसंदीदा अभिनेता शाहिद कपूर और पसंदीदा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है। नंदिनी गुप्ता की पसंदीदा डेस्टिनेशन, यहाँ वह अपने पिता के साथ जाना पसंद करती है। इन्हें खाली समय में योग करना, यात्रा व तैरना पसंद है। इन्हें वेब सीरीज और टेलीविजन शो देखना बहुत पसंद है। अगर बात करें इसके पर्सनल डिटेल्स की तो इसका पूरा नाम नंदिनी गुप्ता है। इसका जन्म तिथि 1 नवंबर 1990 है और इसका उम्र लगभग 23 साल है। अगर बात करें इसके ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई 5 फीट 7 इंच की है। इसकी वजन 50 kg है। आंख का रंग भूरा है। नंदिनी गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और 2023 में मिस इंडिया वर्ल्ड कप जीत लिया। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। नंदिनी गुप्ता का जन्म दिल्ली में गुप्ता परिवार में हुआ था। उनके पिता दिल्ली के एक छोटे व्यवसायी हैं और उनकी माता एक गृहिणी है। उनके दो भाई आशीष गुप्ता और अंकुश गुप्ता हैं। उनके पति अनुराग शर्मा हैं, जिनके साथ उनके बहुत लंबे समय तक टाइम स्पेंड के बाद शादी कर ली। 15 अप्रैल 2023 को फेमिना मिस इंडिया का आयोजन किया गया। नंदिनी गुप्ता ने इसमें भागीदारी ली। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया की प्रेजेंटा चुनी गई। इस फेमिना में मिस इंडिया बनने के बाद नंदिनी 59वीं मिस इंडिया बन गई। नंदिनी राजस्थान के कोटा जिले की रहने वाली है। नंदिनी मिस इंडिया बनने से पहले मॉडलिंग कर रही थी। इस फेमिना में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लड़कियों ने भाग लिया था। इस फेमिना में जीतने की बात नंदिनी मिस वर्ल्ड के अगले सीजन में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। नंदिनी गुप्ता को इस जीत के बाद पूर्व मिस इंडिया सिनी सेट्टी द्वारा ताज पहनाया गया। सिनी सेट्टी फेमिना मिस इंडिया 2022 की विनर रही थी। 15 अप्रैल 2023 की रात मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 के खिताब से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात नंदिनी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाली ग्रेट मिस वर्ल्ड में 71वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधित्व करेगी। मिस इंडिया 2023 की जीत के बाद नंदिनी की जीत के क्षण की एक तस्वीर आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की गई। नंदिनी गुप्ता ने हमारे मंच पर विजय प्राप्त करके अपने धीरज और सुंदरता से हमारे दिलों पर कब्जा कर लिया। हमें नंदिनी की यात्रा और ताज हासिल करने के लिए अपने द्वारा की गई कड़ी मेहनत पर गर्व है। हमारी नंदिनी गुप्ता के लिए तमन्ना है कि आप हमेशा चमकती रहें। सभी लोग सेलिब्रिटीज हमारी नई क्वीन नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का स्वागत कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।